हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मुंबई के बीचेज और स्ट्रीट पे बनने वाली स्पेशल पाव भाजी की रेसिपी, जो आप आसानी से बिना तवे के कुकर और कढ़ाई की हेल्प से घर पे ही बना सकते हो। और यकीन मानिए, ये इतनी टेस्टी होगी कि हर वीकेंड पे इसी की फरमाइश आने वाली है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं ऐसी और रेसिपीज लेके आती रहूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पाव भाजी। इसके लिए मैंने कुकर में एक चम्मच तेल और एक चम्मच भर के बटर डाला है। बटर को तेल के साथ इसलिए डालते हैं ताकि वो जले नहीं। बटर मेल्ट हो गया है, अब मैं इसमें आधा चम्मच जीरा डालूंगी। जब जीरा चटकने लग जाएगा तो मैं इसमें दो चम्मच भर के पाव भाजी मसाला ऐड कर दूंगी। पाव भाजी मसाला इसमें पहले से ऐड करने से ना बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है पाव भाजी का, तो आप इसमें बटर में पाव भाजी मसाला ज़रूर ऐड करें। और मैंने दो बड़े टमाटर, दो बड़े आलू और आधी कटोरी मैंने मटर, मैंने सीज़न की लगभग सभी सब्जियां ली है। मैंने दो इसमें गाजर डाली है। आप भी अपने टेस्ट और बच्चों की टेस्ट के हिसाब से इसमें सब्जियां ऐड कर सकते हैं। आधी मैंने गोभी डाली है इसमें। इसमें वो सारी सब्जियां जा सकती है जो बच्चे खाते नहीं हैं और इसके थ्रू हम उनको खिला सकते हैं। इसमें मैंने एक बैंगन काट के डाला है। जैसे मेरे बच्चों को बैंगन पसंद नहीं है, लेकिन इसमें डाला हुआ वो आराम से खाएंगे। फिर मैंने दो इसमें दो गिलास पानी डाल दिया है। आधा चम्मच नमक डाल के मैं इसको थोड़ी सी देर मिक्स करके और कुकर का ढक्कन लगा के दो सीटी आने तक इनको उबाल लेंगे। एक दो सीटी में एकदम अच्छे से उबल जाएंगे ये। मैंने दो हरी मिर्ची, एक अदरक का टुकड़ा और 10 से 12 मैंने लहसुन की कलियां ली है। और इसको कूट के हम इसमें का पेस्ट बना लेंगे। कूट के पेस्ट बनाने से जो इसका फ्लेवर निकलता है ना, वो बहुत ही टेस्टी होता है, इसलिए आप कूट के डालें इसको। और मैंने बटर डाला है इसमें दो चम्मच के लगभग है ये। और बटर डालने में आप बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, पाव भाजी में जितना ज़्यादा बटर जाएगा वो उतनी ही टेस्टी होगी। मैंने दो मीडियम साइज़ के प्याज काट के इसमें डाले हैं। मैंने दो शिमला मिर्च को एकदम बारीक काट के डाला है। जितना ज़्यादा बारीक काट सकते हो आप उतना ज़्यादा बारीक काट के इनको डालें। और जो हमने कूट के पेस्ट तैयार किया था वो भी हम इसमें डाल देंगे। और हम इसको ब्राउन होने तक फ्राई नहीं करेंगे, बस हल्का सुनहरा हो जाए, पिंक कलर का होने लगे तब तक इनको फ्राई करेंगे। मैंने दो टमाटर एकदम बारीक चॉप करके इसमें डाल दिए हैं और अब मैं इनको जब पिंक होने तक इनको फ्राई कर लूँगी। अब मैं इस स्टेज पे इसमें आधा चम्मच नमक डालूंगी और दो चम्मच पूरे भर के मैं इसमें पाव भाजी मसाला डाल दूंगी। पाव भाजी मसाला डालने से इसमें एक्स्ट्रा और ज़्यादा मसाले डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम इनको थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे और फिर मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से ना पाव भाजी का कलर तो बहुत ही अच्छा एकदम लाल आएगा और ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है, इसलिए बच्चे भी इसको आराम से खा पाएंगे। इसलिए इसमें कश्मीरी मिर्च डालनी है। मैंने वो मिर्च आधी चम्मच लाल मिर्च डाली है। आधा चम्मच मैंने नमक डाला है इसमें और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी को क्रश करके डाला है। इससे जो पाव भाजी में फ्लेवर आता ना, वो एकदम मज़ेदार आता है, इसलिए ये ज़रूर डालें। और मैंने आधा गिलास पानी डाल के और इसको पकने के लिए हम छोड़ देंगे। आधा गिलास पानी डालने से ना ये सारे जो प्याज हरी मिर्ची एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। अब कुकर में देख अपनी सब्जियां सारी उबल गई है, तो इनको आलू मैशर से हम मैश कर लेंगे। सब्जियां इतनी अच्छी से उबली हुई है कि ये आराम से मैश हो गई है। मैंने आधा नींबू का रस निकाल के इसमें डाल दिया है और आधा नींबू का रस हम जब इसको सर्व करेंगे उस टाइम डाल देंगे। नींबू से बहुत ही बढ़िया खटाई आती है इसमें। इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अपनी पाव भाजी तैयार हो रही है। आप आसानी से इस पाव भाजी को घर पे ही बना सकते हो, किसी तवे की ज़रूरत नहीं है। कढ़ाई में ही पूरी तैयार हो गई है और बहुत ज़्यादा मसाले भी इसमें ऐड नहीं करने पड़ते हैं, इसलिए ये ज़रूर ट्राई करना आप। ये देखिए कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब मैं इसको हरे धनिया डाल के इसको मिक्स कर लूँगी। बढ़िया से पक गई है एकदम सारी सब्जियाँ, पता ही नहीं चल रहा कौन सी सब्जियाँ डाली हुई है। सारी सब्जियाँ अच्छे से मैश हो रखी है इसमें। सबकी फेवरेट पाव भाजी तैयार है। अब आइए हम पाव को तैयार करते हैं। इसको मैंने पाव अलग कर लिया है और इसको चाकू से मैं इसके दो बराबर पार्ट कर लूँगी। ठेले वाले जिस तवे पे भाजी बनाते हैं उसी पे ही पाव फ्राई कर लेते हैं, तो मैंने तवे पे थोड़ा सा बटर लिया है और उसको मेल्ट नहीं होने देंगे। उस पर थोड़ा सा धनिया डाल के और थोड़ी सी अपनी भाजी डाल के और अपने पाव को उसमें फ्राई कर लेंगे, जिससे कि भाजी का फ्लेवर भी अपने पाव के अंदर तक चला जाए। अपने पाव एकदम सॉफ्ट और मस्त तैयार हो गए हैं। तो देखिए ये स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी हमने एक आसानी से घर पे बना लिया है और इन सब में बहुत ही कम समय लगा है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना और बनाना, अपने परिवार को खिलाना, देखना कितने चटकारे मार के खाते हैं और आपकी तारीफ़ करते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मैं ऐसी और रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती रहूँ। कीप वॉचिंग।
थैंक यू।